हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टंडन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पंजाबी भरवा शिमला मिर्ची की रेसिपी बताने जा रही हूँ। भरवा शिमला मिर्ची बनाने के लिए हमें जो सामग्री की आवश्यकता है वह इस प्रकार है। शिमला मिर्ची हमने एक पाव ली है, एक पाव आलू जो उबालकर मैश किए हैं, एक नींबू और मसालों में एक छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्ची पीसी हुई, आधा चम्मच हल्दी पीसी हुई, जीरा आधा चम्मच, अमचूर एक चम्मच, राई आधा चम्मच, आधा चम्मच सौंफ, खड़ा धनिया एक चम्मच, हींग चुटकी भर, गरम मसाला आधा चम्मच, एक बड़ा चम्मच खोपरा भूरा, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, स्वादानुसार अनारदाना सूखा वाला। सबसे पहले हम शिमला मिर्ची हमने जो धो के और कपड़े से पोंछ के रखी है इसको चीरा लगाएंगे। शिमला मिर्ची में हम इस प्रकार चीरा लगाएंगे, इस प्रकार खड़ा चीरा लगाना है और इसमें जो बीजे हैं उसे निकाल देना है। इस प्रकार से हम इसको चीरा लगाएंगे और इसमें फिर बाद में मसाला बनाएंगे। शिमला मिर्ची में हमने चीरा लगा दिया है और इसको भरने के लिए हम आलू का मसाला तैयार करेंगे। गैस पर हमने पैन रखा है, हम गैस को चालू करेंगे। गैस हमने सिम पे किया हुआ है और आज जो मसाला बनाएंगे ऑलिव ऑयल में बनाएंगे। एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल हम पैन में डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले हम इसमें राई डालेंगे और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये हमारा पेस्ट इसमें सिक गया है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे और आलू डालेंगे। आलू हमारे थोड़े सिक जाएंगे तब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। इसे बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि ये साथ में ना लगे। आलू हमारे सिक गए हैं, अब इसमें सारे मसाले हम डालेंगे। नमक, गरम मसाला, हल्दी, सौंफ, खड़ा धनिया, हींग, अमचूर, चिली पाउडर, अनारदाना और खोपरा। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट इसको अच्छी तरह और सेक के गैस को हम बंद कर देंगे। ये हमारे 2 मिनट हो गए हैं और हम गैस को बंद कर रहे हैं। ठंडा होने पे इसमें नींबू निचोड़ेंगे और मिर्च में मसाले को भरेंगे। मिर्ची का मसाला हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे। यदि आप थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें आधा चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिर्ची को हम अब भरेंगे। इस प्रकार से हम सब मिर्ची भरेंगे। ये हमने शिमला मिर्ची में मसाला भर दिया है और थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया है। अब जिसमें हमने मसाला बनाया था उसी पैन में हम एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। गैस हमने सिम पे रखा है, ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब हमारी भरी हुई शिमला मिर्ची हम पैन में डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें भरी हुई मिर्ची डालेंगे।
मिर्ची को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक यह ब्राउन नहीं हो जाती और मिर्ची हमारी थोड़ी गल जाना चाहिए। इसको अब हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे और ढक के रख देंगे। गैस को सिम पर ही रखना है, सिम पर ही हमारी मिर्ची बनेगी। ये हमारी शिमला मिर्ची हो गई है। अब गैस को हम बंद कर रहे हैं और इसमें बचा हुआ मसाला हम डाल देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। पंजाबी भरवा शिमला मिर्ची की सब्जी खाने के लिए तैयार है। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय।